ऑल राइट गाइज, आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ बॉडी बिल्डिंग की दुनिया से बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे लवली शर्मा बाई के अपडेट्स के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस साल ये कॉम्पीट करने वाले हैं सेरू क्लासिक में। तो इन्होंने हमारे साथ अपनी 4 वीक आउट वाली अपडेट को शेयर कर दिया, जिसमें आप देख सकते बहुत ही इंप्रेसिव लग रहे हैं। यहाँ पर आप इनके शोल्डर एंड चेस्ट की कंडीशन को देख सकते यूज लग रहे हैं एंड मिड सेक्शन भी काफी एप्स भी यहाँ पर क्लियर विजिबल हो रहे हैं। तो गाइज लवली बाई ने इस साल अपनी बॉडी में बहुत ही बढ़िया इंप्रूवमेंट्स कर लिए एंड आप देख सकते हो कि इनका बॉडी स्ट्रक्चर मेंस फिजिक के हिसाब से बहुत ही बढ़िया है। तो देखते हैं आपकी बारे सेरू क्लासिक में अपना कैसा पैकेज दिखाते हैं सभी लोगों को। एंड गाइज इनके बारे में आपको क्या लग रहा है कि इस साल ये गोल्ड मेडल जीत पाएंगे नहीं, कॉमेंट में जरूर बताएं। इनके बाद हम बात करेंगे हिमांशु शर्मा बाई के अपडेट के बारे में। तो दोस्तों इनके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये बॉडी बिल्डर होने के साथ साथ बहुत ही बढ़िया पावर लिफ्टर भी हैं और इन्होंने पावर लिफ्टिंग के कई कॉम्पिटिशन में गोल्ड मेडल जीते हैं। तो दोस्तों इन्होंने पावर लिफ्टिंग के बाद में बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में कॉम्पीट करने की सोची, तो इन्होंने अब की बार सेरू क्लासिक में कॉम्पीट करने की अनाउंसमेंट कर दी है। तो आप देख सकते हो ये इनकी लेटेस्ट अपडेट है, जिसमें हिमांशु शर्मा भाई बहुत ही बढ़िया शेप में नजर आ रहे हैं। आप यहाँ पर इनकी ओवरऑल फिजिक को देख सकते हो, बहुत ही हार्ड कंडीशनिंग में है, सभी मसल्स बेलीज राउंड होने के साथ साथ फुलट दिख रही है। इसके बाद में आप हिमांशु शर्मा भाई की बैक पर भी फोकस कर सकते हो, बैक में डेंसिटी एंड थिकनेस कितनी खतरनाक है। तो फ्रेंड्स हिमांशु शर्मा भाई की इन अपडेट को देखकर तो लग रहा है कि इस साल सेरू क्लासिक में गोल्ड मेडल डेफिनेटली जीत जाएंगे। तो इनके बारे में आपके क्या थॉट्स हैं, क्या इस साल जीत पाएंगे गोल्ड मेडल, कमेंट में जरूर बताएं। इनके साथ ही हम बढ़ते हैं अपनी अगली अपडेट की तरफ जो निकल कर आई है आईएबी प्रो मनोज पाटिल भाई की तरफ से। तो दोस्तों इनकी तरफ से बहुत ही बैड न्यूज है। तो गाइस इनका आईएबी प्रो फेडरेशन ने इनका प्रो कार्ड 6 मंथ्स के लिए बैन कर दिया है, और इसका रीजन क्या है एंड मनोज भाई कॉम्पीट करेंगे दिल्ली प्रो शो में या फिर नहीं, आप इस क्लिप में देख सकते हो। मैं सभी को बता दूं कि आने वाले शेरू क्लासिक में जो 16-18 जून को होने वाला है दिल्ली में, जो प्रो शो होने वाला है दिल्ली में फर्स्ट टाइम, उस चैम्पियनशिप में मैं कम्पीट नहीं करने वाला हूँ। उसका रीज़न ये है कि 4 दिन पहले ही मुझे आईबीपी की तरफ से एक मेल रिसीव हुआ है, जिसमें मेरा प्रो कार्ड वो 6 मंथ आने वाले 6 मंथ के लिए सस्पेंड किया है। सो सस्पेंड करने का रीज़न ये है कि थोड़े दिन पहले मैं एक शो में एज ए गेस्ट गया था जो आईबीपी का शो नहीं है। तो हमारी ये अपडेट आई है अभिषेक यादव भाई की तरफ से। तो दोस्तों आप देख सकते हो अभिषेक भाई ने अपने इंस्टा पर इस पोस्ट को शेयर किया है। तो भाई इस अपडेट में तो अभिषेक भाई बहुत ही खतरनाक दिख रहे हैं। बात करें यहाँ पर इनके साइज की, तो साइज भी बहुत ही इंप्रेसिव है एंड ओवरऑल फिजिक यहाँ पर यूज दिख रही है। आप इनके चेस्ट एंड शोल्डर की फुलनेस को नोटिस कर सकते हो कि कितनी बढ़िया है एंड बाइसेप्स ट्राइसेप्स बहुत ही तगड़े लग रहे हैं। इनके एब्स भी यहाँ पर क्लियर विजिबल है। तो दोस्तों इस अपडेट में हमें अभिषेक भाई साइज प्लस कंडीशनिंग दोनों का गेम दिखाने वाले हैं, और भाई इस बार इनके प्रो कार्ड जीतने के पूरे चांस हैं, क्योंकि इन्होंने इस बार अपने नाम की बहुत ही तगड़ी हाइप बना ली है। तो देखते हैं आपकी बारे प्रो कार्ड जीत पाते नहीं एंड इनके बारे में आपके क्या ओपिनियन हैं, मेरे साथ कमेंट में शेयर जरूर करें। इनके बाद में हम बात करेंगे जतिन भाई की अपडेट्स के बारे में, जो इस साल कॉम्पीट करने वाले हैं सेरू क्लासिक में। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि जतिन भाई सेरू क्लासिक से 4 वीक आउट पहले कैसे लग रहे हैं। यहाँ पर इनकी बैक बहुत ही वाइड एंड सभी मसल्स को एक एक करके विजिबल कर रही है एंड इनकी ओवरऑल बैक में पूरा वी टेपर क्रिएट हो रहा है। तो गाइस इसके बाद में आप इनकी फ्रंट अपडेट को नोटिस कर सकते हो कि इनकी चेस्ट में हार्डनेस एंड फुलनेस कितनी बढ़िया है। एंड बात करें कंडीशनिंग की, तो कंडीशनिंग को भी इस बार इन्होंने इंप्रूव किया है, जो आप इनके एप्स को देखकर इजीली नोटिस कर सकते हो एंड इनके शोल्डर में भी हमें राउंडनेस देखने को मिल रही है। तो गाइस आपको जतन भाई की ये फिजिक अपडेट कैसी लगी एंड आप कमेंट में बताना क्या इस साल ये गोल्ड मेडल जीत पाएंगे या नहीं। इनके बाद हम बात करेंगे ब्लेसिंग अभिदुब की अपडेट के बारे में। तो दोस्तों इन्होंने अपने 10 वीक आउट वाले अपडेट को हमारे साथ शेयर किया है, जिसमें आप देख ही सकते हो ब्लेसिंग पूरे मास मॉन्स्टर दिख रहे हैं। ओवरऑल फिजिक में पहले से बढ़िया साइज है एंड कंडीशनिंग को अभी तक मेंटेन करके रखा है। एंड दोस्तों इस बार हमें इनके लेग्स में बहुत ही बढ़िया इंप्रूवमेंट्स देखने को मिल रही हैं, क्योंकि दोस्तों ओलंपिया 2022 में इनके लेग्स ही सबसे वीक थे और अब की बार के ऑफ सीजन में इन्होंने अपने लेग्स पर ही ज्यादा काम किया है, जो हमें इन अपडेट्स में साफ नजर आ रहा है। तो फ्रेंड्स आपने ब्लेसिंग अभिदुब की ये लेटेस्ट फिजिक अपडेट देख ली, आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक you। मुझे तो ऐसा लगा कि he never wanted to play the pro show in the first place, कि वो pro show खेलने ही नहीं जाते। That's how I felt. I could be wrong, but that's how I felt. अगर आपको pro show खेलना है और अगर आपका ये cancel हो गया, remember, शेरू पाजी ने ही आपको pro card दिलवाया because of your effort, because आपने वो जीता।
आई एम श्योर आपकी अपॉलॉजी, अगर आप नॉन सैंक्शन शो पे गए हो, इट कैन गेट यू योर प्रो कार्ड बैक. और आप कह रहे हो उनका रिस्पॉन्स बड़ा नेगेटिव आया. आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो दिस विल हैपन. अगर आप रियली प्रो शो खेलना चाहते हो मनोज, रियली खेलना चाहते हो, यू हैव टू शो डेस्परेशन, यू हैव टू शो हाउ बैडली यू वॉन्ट इट. दिस इज नॉट, आप बता रहे हो मेरा प्रो शो मेरा सस्पेंड कर दिया. इट इट्स एज इफ यू नो यू ब्रेकिंग द न्यूज, यू नॉट इवन डेस्परेट कि मैं इतने सालों से मेहनत कर रहा हूँ, इतना सब कुछ कर रहा हूँ, मेरा प्रो शो था, मेरे से ले लिया, दे हैव टेकन अवे एवरीथिंग, नथिंग.